ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद् भगवद गीता का यथारूप का नौवां अध्याय है और ये भगवान के बारे में परम गुह्य ज्ञान देता है। परम गुह्य ज्ञान की व्याख्या क्या है? गुह्य यानी सीक्रेट, कोई गहरी सीक्रेट वाली भी बातें होती हैं, लेकिन परम गुह्य यानी कि मोस्ट सीक्रेट, उसे कोई और ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसा ज्ञान कि वेद में कहा है कि कस्मिन् भगवो यस्मिन् विज्ञातम् सर्वमेवं विज्ञातम् भवन्ति। भगवान ऐसे गुड़ रहस्य वाले हैं, भगवान है उसकी प्रतीति होती है, फिर भी उसको समझना समझाना बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों में तो विश्वास होता ही नहीं। तो भगवान के बारे में गुह्यता है। यदि हम किसी परिवार में जाएं तो पति पत्नी की क्या सीक्रेट है हम कैसे जाने? लेकिन वो तो आपसी संबंध होता है जो वो दोनों ही जान सकते, तीसरा कोई उसका लड़का भी नहीं जान सकता, लड़की भी नहीं जान सकती, माँ बाप भी नहीं जान सकते। ये परम गुह्यता, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जैसे कहते हैं, तो वो ऐसे संबंध में बनी रहती है जो भगवान के साथ सर्वश्रेष्ठ गुह्य चीज जो होती है। तो हर एक जीव और परमात्मा के साथ का संबंध है, उस संबंध की गुह्यता समझनी चाहिए। सुनाई देता है सबको? पीछे भी पति पत्नी के बीच में सीक्रेट चीज तब तक टिकती रहती है जब तक वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल वफादार रहते हैं, तब टिकेगी ये सीक्रेट, नहीं तो लीक हो जाएगी। सबकी सीक्रेट का बंडा फूट जाता है। तो भगवान और भक्त के बीच में ऐसा गुड संबंध है जो वो दोनों ही जान सकते हैं, अथवा इनका प्रतिनिधि जो गुरु होता है वो जान सकते हैं, क्योंकि उसने ही तो संबंध जुड़वाया है। आप ताज्जुब करोगे कि ये गुड़ रहस्य जो एक दूसरे पर वफादारी बताते हैं इनको ही प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। झूठी वफादारी बताकर सब थोड़ा सीक्रेट जान लेते हैं CID की तरह, तो वो कब तक टिक, वो तो बंडा फूट जाएगा, कोई संबंध रहेगा नहीं। तो कर्मों द्वारा ये बंडा फूटता है, लेकिन भक्ति ऐसा सीक्रेट वाला तत्व है कि उसकी कोई जाहिरात नहीं करनी पड़ती, न तो उसके बारे में हमें सीक्रेट रखनी होती। भगवान और भक्त का ये भक्ति का जो संबंध है वो संबंध
अति गुह्य है, वो सब सीक्रेटों में सीक्रेट बताया गया है। और ये सीक्रेट इसीलिए भगवान बताते हैं कि अर्जुन ईर्ष्यालु नहीं है। पति पत्नी में यदि कोई अनबनाव हो जाता है, हाँ, संबंध में खटास पहुंच जाती है, तो क्या करते हैं? एक दूसरे पर विश्वास गंवा देते हैं, सही, और उनकी सारी सीक्रेट लीक हो जाएगी, हाँ, वो लोग अलग हो जाएंगे। ये प्रेम ऊपर का उभर आता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए संसार में जो सबसे सीक्रेट बात है, वो भगवान के प्रेम की बात है। उसे ज़्यादा कोई सीक्रेट नहीं हो सकता। और भगवान का जो ईर्ष्यालु नहीं है, उसे ही वो प्राप्त होता है। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। ये नौवें अध्याय के सर्वप्रथम दो श्लोक में भगवान ने ये अति गुह्य संबंध में जो गुह्य प्रेम है, तो भगवान सर्वप्रथम जाहिरात कर देते हैं, अर्जुन तू मेरा ईर्ष्यालु नहीं है, इसलिए मैं तुझे ये ज्ञान कहता हूँ। और ये जो ज्ञान है सारी विद्याओं का राजा है, और ये ज्ञान प्राप्त करके तो अनुभव में लाएगा और तेरे सामने क्रमानुसार प्रकट होगा। ये कोई अंधाविश्वास का नहीं काम, ये तो अनुभव का काम है। जो अवगमम करने को कहा है, अवगमम यानी कि क्रमानुसार पद्धति अनुसार आप ये ज्ञान को अपना कर उसे अपने जीवन में उतारें, क्रमानुसार एक बार एक के बाद एक। तो उसमें जो परिणाम आता है वो आनंद देने वाला है, और ये आनंद हमेशा के लिए होता है। ऐसा नहीं कि काम चलाओ आनंद। भगवान के प्रेम की ये महत्ता है, जो इसके कारण ही वो अर्जुन पर इतनी कृपा कर रहे हैं कि विषम स्थिति में जब युद्ध शुरू होने वाला है तब भगवान प्रेम बताते हैं, और ऐसे प्रेम पूर्वक समझाते हैं उसका जो जो संशय था, उसका जो भ्रम था, उसका जो भय था, वो सब का समाधान हो जाता है। ऐसी चीज हर एक भक्तों को अनुभव में आती है। हरे कृष्ण आंदोलन में हमें सिर्फ हरि बोल करके दुनिया को जगाना तो होता है, लेकिन अपने आप को भी तो जगाना होता है। हरि बोल ऊपर से करते हैं लेकिन अंदर से जगते नहीं, तो भगवान का प्रेम इनको कैसे पता चलेगा? जो सुनकर भी जग जाते हैं, चिल्ला कर उठाना पड़ता है ना, सोता रहता है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जीव जागो गौर चंद्र बोले कटो निद्रा जाओ माया पिशाचीर खोले। हे जीव, तो कब तक ये पिशाचिनी रूपी अज्ञानता में तो सोता रहेगा, उसकी गोद में सोता रहेगा, उठ। स्कूल में जाने के लिए उठाते हैं, उठना नहीं चाहता फिर भी उठाते हैं, ये तो बाहर की पढ़ाई के लिए उठना पड़ता है, अंदर की पढ़ाई के लिए तुझे कौन उठाएगा? इसीलिए हरी बोल करना पड़ता है, चिल्ला चिल्ला कर,
तो आज का श्लोक है, भगवान कितने दया दयालु हैं कि जो हम कर सकते हैं ऐसी ही बात करेंगे, लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं कि वो प्रेम के वश सब कुछ स्वीकार भी करते हैं और वो खाते भी हैं। तो आज का श्लोक हमारे पीछे दोहरा है, पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिमुपाहृतम् तदहं भक्तिमुपाहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिमुपारतम् तदहं भक्तिमुपारता अश्नामि प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिमुपारतम् अश्नामि प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः पत्रम् यानि कि पत्ते पर्ण पान गुजराती में पान के पुष्पम् फूल अथवा पुष्प फलम् फल फल फ्रूट तोयम् तोयम् पानी पानी जल जल यह जो जो मैं मुझको भक्त्या भक्त्या भक्तिपूर्वक भक्तिपूर्वक प्रयच्छति प्रयच्छति अर्पण करता है अर्पण करता है तत् तत् वो अहम् मैं भक्ति उपहृतम् भक्ति भाव से अर्पित करा हुआ भक्ति भाव से अर्पित करा हुआ अश्नामि अश्नामि स्वीकार करता हूँ स्वीकार करता हूँ प्रयत आत्मनः आत्मनः शुद्ध भावना वाले के पास शुद्ध भावना वाले के पास अनुवाद है, जो कोई मनुष्य प्रेम तथा भक्ति सहित मुझे पत्ते फूल फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसका स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करना, आपको कोई फल देता है हाथ में पकड़ रखोगे, वो कितना स्वीकार किया तो है, लेकिन फल जिसके लिए दिया है वो तो खाना भी पड़ता है, तो पूर्ण स्वीकृति खाने से भी होती है, सिर्फ हाथों में पकड़ रखने के स्वीकृति नहीं कहते। तो उस तरह भगवान यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण रूप से उसको स्वीकारते हैं, जिस हेतु के लिए दिया है वो खाते भी हैं। तो अश्नामी का अर्थ खाना भी होता है। प्रभुपाद जी भावार्थ में कहते हैं सनातन सुख के लिए स्थिरता और आनंदमय वाली जो जगह है, जो धाम है, उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत होना चाहिए और वही भावना से भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में उसे जुड़ जाना चाहिए, ये अनिवार्य है। और इससे बहुत आश्चर्यकारक हमें उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होता है और उसकी इतनी सरल क्रिया भी दी गई है कि यदि कोई बिल्कुल निर्धन है,
निपट निर्धन है, कुछ है ही नहीं उसके पास देने के लिए, तो वो भी इस चार चीजों में से तो कुछ दे भी सकता है। उसके पास फल नहीं है तो जल तो होगा, तो जल भी अर्पित करना और भक्ति भाव से अर्पित कर से भगवान इसका स्वीकार भी करते हैं और पी भी लेते हैं। कैसे पीते हैं वो बाद में देखना है, लेकिन भगवान कहते हैं वो सत्य होता है। कैसे पीते हैं ये प्रक्रिया इतनी सरल होती है कि अत्यंत निर्धन मनुष्य किसी भी प्रकार की योग्यता न रखने से भी वो प्रयास भी कर सकता है। इस संबंध में भगवान के शुद्ध भक्त होना है एकमात्र योग्यता का कारण बन जाता है कि मनुष्य क्या कर रहा है, कैसी स्थिति में वो रह रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भक्ति करने के लिए। ये प्रक्रिया इतनी सरल होती है कि सिर्फ प्रेम से ही ये काम करना होता है। ऐसे नहीं कोई जबरदस्ती से चल हाथ पकड़ के तोड़ वो पत्ता और जल भगवान को अर्पित कर दबा के उसको देता है। कहीं माँ बाप को बच्चे को दंडवत कैसे करना है, मत्था ठोकते हैं ठोकने से पकड़ के, तो वो नहीं, वो तो ऐसे करने से उसको आदत आ जाएगी कहते हैं। पर ये एक प्रेम पूर्वक पत्ती देने के लिए जो प्रयत्न होते हैं, तो प्रयत्न जबरदस्ती का तो नहीं होना चाहिए, कि प्रयत्न में भी प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम पूर्वक किए गए प्रयत्न में भक्ति होती है और वो प्रयत्न द्वारा भगवान स्वीकारते हैं। अष्टनामी प्रयतात्मना, भगवान को अपने प्रेम पूर्वक किए गए प्रयत्न से ज़्यादा निस्बत है फल से नहीं, क्योंकि वो तो छोड़ देते हैं हमारे लिए, क्या खाते हैं। हमारे प्रेम पूर्वक किए गए प्रयत्न जो भक्ति कहलाती है उसे स्वीकार करते हैं। इसीलिए तद भक्तिम अपार्थम, तो प्रेम पूर्वक एक पत्ता थोड़ा जल या फल जो भी भगवान को अर्पित करने में आता है तो भगवान उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसीलिए किसी को भी कृष्ण भावना मृत का जो लाभ होता है उसे वंचित होने की आवश्यकता नहीं, सबको एक सरीखी प्राप्त होती है। ये अति सरल और सर्वत्रिक है, कोई थोड़े ही ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जिसको ऐसी प्रक्रिया में कोई न तो रस है और न तो इसकी इच्छा कृष्ण भावना परायण होने की है। और यदि कोई ऐसे ज्ञान से भरपूर सनातन आनंदमय जीवन की सिद्धि उसको यदि प्राप्त होती है तो कौन भला ऐसा बिना मूर्ख ये मौके को ठुकराता। तो ये काफ़ी आवश्यक है। ये तो परपड़ बहुत लंबा है भैया, यानी कि हमें काफ़ी समझने में मदद करेगा। कृष्ण को सिर्फ प्रेम भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं। कृष्ण
इनके शुद्ध भक्तों द्वारा दिया गया एक छोटा सा फूल भी स्वीकारते हैं, लेकिन अभक्त के पास इसका ऐश्वर्य भी कितना भी आवे वो कभी स्वीकारते हैं नहीं, ले लेते हैं, हड़प तो कर लेते हैं, लेकिन उसको कोई प्रेम नहीं देते। दुर्योधन को भोग न खायो, रुख शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। आए बंद कर, कहाँ चढ़ गए। तो ऐसे उदाहरण है। तो यहाँ दो बार भक्ति शब्द का उपयोग हुआ है, क्योंकि वो दबाव पूर्वक हमें ये समझा सकता है कि भक्तिमय सेवा ही एकमात्र कृष्ण भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है। प्रेममयी सेवा को भक्ति कहते हैं। तो भक्ति में प्रेम और सेवा दोनों आवश्यक है। सिर्फ सेवा करो और प्रेम ना तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी। सिर्फ प्रेम करते हैं और सेवा नहीं करते वो गया काम से। दोनों की समन्वय की आवश्यकता होती है। भक्ति के लिए हमें ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है, विद्वान पंडित भी नहीं बनना है, श्रीमंत यानी कि बहुत पैसेदार भी नहीं बनना है, और या महान विचारक या बहुत चढ़े बूढ़े प्रोफेसर बनने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के पास विशुद्ध भक्ति कम प्राप्त होती है, इसलिए भगवान इनका ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। भक्ति के मूल सिद्धांत बिना हम भगवान की पास हम ये सारी स्वीकृति हो जाए ऐसी भावना नहीं कर सकते। भक्ति के सिद्धांत जो हैं नवदा भक्ति में, कोई भी भक्ति भगवान के पास पहुंचाने में समर्थ है। ये यथार्थ रूप में हम जब भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें से भी कोई भी भक्ति, कोई भी प्रकार की भक्ति भगवान के पास पहुंचाने में समर्थ है। उसके लिए हमारे पास कोई साधन सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो तो ही मैं भक्ति कर सकूं, नहीं। भक्ति काम चलाव नहीं होती, ये प्रक्रिया तन है, और परम पूर्ण की सेवा में की गई भक्ति वो प्रत्यक्ष कर्म कहलाता है। जो अकर्म बंधन करता नहीं है ऐसा कर्म को अकर्म कहते हैं। तो अकर्म की व्याख्या भक्ति में ही सिद्ध होती है। कृष्ण भगवान अपने आप को एकमात्र भोक्ता, आद्य पुरुष और सर्वयज्ञ समर्पण के साचा के सच्चे उद्देश्य वो कह रहे हैं, और भगवान इसी तरह हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार के यज्ञ इनको अर्पित किया जाए, किस प्रकार के कर्म इनको अर्पित किया जाए, तब वो स्वीकार करेंगे। यदि कोई मनुष्य अपने आप को शुद्ध करने के लिए भगवान की दिव्य प्रेम सबर ऐसी सेवा जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए जो समर्थ हैं,
वो यदि भगवत भक्ति करता है तो उसको ये जानने की आवश्यकता है कि भगवान उसके पास क्या चाहते, भगवान को अनुकूल है कि नहीं, वो उसकी जानने की तत्परता उसे बनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि मनमानी भक्ति हम करें, मन चंगा तो कथरोट में गंगा, चलो आज भगवान आप ये खा लो कल वो खिलाऊंगा। अरे भाई कोई तो सिर्फ माखन मिश्री देता है और लाड़ू पूरी खुद के लिए बनाता है और भगवान को देता ही नहीं। नहीं, भगवान तो छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए वो माखन मिश्री ही खाए। अरे सारे जगत को खा जाएंगे तुझे क्या पता है। यत करोषि यदश्नाषि यज्जुहोषि ददासि यद यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। और कहते हैं तेरी खोपड़ी में ये रख, तो जो कुछ करे, जो कुछ खाए, जो कुछ यज्ञ में आहुति दे, जो कुछ दान करे, जो कुछ तप करे, सब मुझे अर्पित करके छोड़। मुझे अर्पित किए बिना ये सब तेरी माया बन जाएगी। तो उसको ये पता होना ही चाहिए कि भगवान उसके पास क्या इच्छा रखते हैं, कि वो कैसी चीज। तो ये जानना है कि भगवान को जो अनुकूल है वही हमें देना है। लहसुन प्याज इसलिए नहीं देते हैं, और नहीं देते तो नहीं खाते। कृष्ण भगवान को प्रेम करने वाली व्यक्ति उनकी इच्छित वस्तु ही अर्पण करता है। और ऐसी कोई भी चीज़ अर्पण नहीं करेगा कि जो भगवान की इच्छा ना हो। इच्छा ना हो या भगवान ने खुद मांगी ना हो, तो वो जबरदस्ती से देने के लिए क्या फायदा। इसी तरह कृष्ण भगवान को मांस मछली अंडा अर्पण नहीं करते हैं। यदि उनको अर्पित की जाती तो पहले ही देखना कि उन्होंने मांगी है सही कि नहीं। जब मांगी ही नहीं तो जबरदस्ती से क्यों इन चीज़ों का भोग लगा है। क्या भगवान व्यक्ति नहीं है अपना? हम प्रेम की इच्छा रखते हैं तो कोई स्नेही हो तभी तो उसकी प्रेम मिलेगा। तो ये जबरदस्ती का कोई मनगढ़ंत बातें नहीं होनी चाहिए। भक्ति की जो प्रक्रिया है उसकी विशुद्धि में ये सब पोल्यूशन दूषित करने वाली भावना है, वो भक्ति में नहीं आती। उनको तो पत्र पुष्प फल तथा जर ही अर्पण करने में आवे तो वो तुरंत कह देते हैं मैं उसका स्वीकार करता हूँ। इसलिए हमें हमेशा जानना चाहिए कि इनको मांस मछली तथा अंडा स्वीकृत नहीं है। शाक होता है, फल अनाज दूध तथा जल, यही मनुष्य के लिए योग्य आहार है। और भगवान श्री कृष्ण ने यही चीज़ों के लिए आदेश दिया है। इस के सिवा दूसरे जो पदार्थ हम खाते हैं वो भी अर्पित नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं है। यदि हम ऐसे पदार्थ भी अर्पित करेंगे तो हम लोग प्रेम भक्ति के कौन से स्तर पे हैं वो जानना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि हमारा भगवान की भक्ति में विकास हो रहा है कि नहीं, वो भी नहीं जान पाएंगे। तो भगवान ने जो मांगा है वो देना
वो भक्ति का माध्यम बनता है। अपनी मनमानी नहीं भक्ति करनी चाहिए। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं कि यज्ञ शिष्टाशिनो संतु मुंचन्ते सर्व किल विषयी। तो यज्ञ में बचा हुआ जो भोग होता है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, वो शुद्ध होता है। यदि कोई मनुष्य प्रगति करने के लिए या भवबंधन से मुक्त होना चाहता है तो ये यज्ञ शिष्टासिनो संतु मुंचते सर्व के लिए, यज्ञ के यानी कि भगवान को अर्पित किया है तो उच्छिष्ट जो है वो ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम भोग बनाते भगवान को अर्पित करने होता ही है। जो अर्पित नहीं करता तो समझो वो पाप खाता है, सिर्फ शरीर की तृप्ति के लिए खाता है, भगवान की तृप्ति के लिए नहीं खाता। हाँ, ये शरीर थोड़ा भगवान है। शरीर को आनंद हो गया इसीलिए चलो, भगवान को आनंद हो गया क्या? जब हजमा नहीं होगा तो क्या हाल होगा? क्या भगवान को भी दुख पहुंचाओगे? नहीं। तो इसी तरह हमें ये तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान ने जो सीधा मांगा है वो देना है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि भगवान नहीं मांगते। क्या मांगने का तुम्हें ही अधिकार है, भगवान को नहीं है? भगवान ने बनाया है तो उसके मांगने वो तो उसका ही है। अरे उसका नहीं है तो तुम हड़प करके बैठे हो, उसका क्या है? इसलिए चोरी का माल वापस ला, मांगेंगे ही मांगेंगे। तो इस श्लोक में बोल स्वयं बताते हैं कि जो मनुष्य भगवान को भोग सामग्री अर्पित करता नहीं है वो सिर्फ पाप का ही भक्षण करते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में उसके भोजन के हरेक जो बार वो मुंह में डालता है उसके लिए भौतिक प्रकृति की जटिलता जो है, खाना पीना ये जो पचन होना इत्यादि सारी प्रक्रिया की जटिलता में ही बढ़ोतरी होगी, वो सादगी भरा नहीं होगा, यानी कि कष्टमय। इसलिए भगवान तीन प्रकार का आहार की चर्चा 16वें अध्याय में करते हैं। कि सात्विक आहार किसको कहते हैं, जो आयुष्य सुख प्रीति विवर्धना स्निग्ध आधार, स्निग्ध आहार जो होता है तो आयु लंबी आयुष बढ़ाता है। जब ये अति लवण तीक्ष्ण इत्यादि खाना ये राजसिक आहार है वो बीमारी ही पैदा करता है। और शूद्र लोग जो सड़ा हुआ खाते हैं, तीन घंटे के बाद खाना नहीं चाहिए, पकाया हुआ तुरंत भोग लगा दो और तीन घंटे पहले उसका ख़त्म कर दो। सुबह बनाते हैं और दोनों नौकरी पर चले जाते, शाम को आकर वही खाते हैं, कितने घंटे का? तो यानी कि भावना कैसी रहेगी? इसमें तामसिक परिवर्तन आता है। वो दोबारा गर्म खा लिया इसलिए फ्रेश हो गए, ना ना, ऐसे कृत्रिमता रोग का कारण बनती है, ये कुदरती नहीं है। तब शास्त्र के जो ये जो अन्न इत्यादि का पकाने का जो तरीका है वो काफ़ी बारीकाई से अनुभवशील हकीकतें हैं, उसका हमें स्वीकार करना चाहिए। फ्रोजन फूड सब तैयार कर दो और बाद में रेफ्रिजरेटर में डाल दो,
बस गर्म कर देते, माइक्रोवेव में डाल दो, हाँ, लेकिन इसमें कितना रूपांतर होता है, हाँ, सारी चीज़ें ये पता नहीं ये क्या चीज़ है, बैटरी ख़त्म हो गई, ज़्यादा चिल्लाते तो बैटरी ख़त्म हो जाती है, नहीं होती, ज़्यादातर सभ्य समाज में यानी कि जो संस्कृति का पालन कर रहे हैं ऐसे परिवार में भी हम ये चीज़ों की सावधानी से हम इस्तेमाल करते हैं। सावधानी रखनी पड़ती है कि यदि आवश्यकता हो तो घर में नौकर चाकर भी तो होते हैं और वो लोग समय समय पर दें, वो भी भगवत भक्ति की भावना उसको सिखाई जाती है तो घर में कोई परेशानी नहीं है। हाँ तो भगवान हमें भक्ति के लिए तंदुरुस्ती देना चाहते हैं, नहीं कि जिम अखाड़े में जाकर या वो कौन सी है सानिया नेहवाल की तरह चैम्पियन बनने के लिए हमें मौका देते हैं। इस जिंदगी चैम्पियनशिप की नहीं है, भावसागर पार करने की जिंदगी है। हाँ आप कितनी बार चैम्पियन बनो लेकिन जो भावसागर तैरना नहीं जानता है तो क्या फ़ायदा। वो छोटी सी नाटी का पता है ना, साइंटिस्ट बनकर अपने गांव आने वाला क्या क्या तमाशा करता है, लेकिन गांव पसार करने के लिए ये छोटी दमन और बड़ी दमन के बीच में क्या है, नदी है, वो जो दमन गंगा है, तो इस तरह ही शायद छोटी दमन में उस समय नाव चलती थी तो साइंटिस्ट बन के आया कि भाई हमें तो अपने गांव जाना है, आओ बैठो नाव में। हाँ तो वो अपनी बढ़ाई करने लगा कि मैं देखो परदेश गया, पर काफ़ी रिसर्च करके आ गया हूँ, हाँ देखो ये इसको कंप्यूटर कहें, तुमने क्या कभी ज़िंदगी में देखा है कंप्यूटर क्या है। तो नाव वाला कि भैया मैं कैसे कहाँ ये कंप्यूटर ढूंढने जाऊँ, ये कंप्यूटर है इसका काम है क्या है, नहीं ये चाप दबाओ तो तुरंत बाहर निकल आएगा, क्या चाहते हो सब पता चल जाएगा। अरे चाप दबाने से सारी दुनिया मिल जाती है तो आप वापस क्यों आए, नहीं गांव में तो हमें बताना है कि हम देखो पढ़े हैं कितने बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं, गांव की तो इज्जत हमारे हाथ में है। अच्छा ठीक है तो बोलो पढ़ना पढ़ने के लिए तो बहुत आवश्यकताएं होती हैं, समाज में हम मदद करें ये करें वो करें तो पढ़ने की तो आवश्यकता कितनी है, इस तरह संसार में हम पढ़ाई लिखाई बिना ग्रेजुएट हुए बिना तो हमारा कोई नाम निशान नहीं रहता। हाँ ठीक है भाई तुम लोग पढ़े लिखे तुम्हारी बड़ी बात है, चलो हम चले करके नाव बीच में ले गया। हाँ थोड़ी देर तूफान आया, हाँ वो अपनी बड़ाई करता गया समय निकलता जाए, लेकिन तूफान आया तो घबराने लगा कि भाई क्या है, यही नाव वाला ही जल्दी करो, हाँ नहीं तो हम गीले हो जाएंगे। तो तूफान बढ़ा तो नाव में पानी भर गया, अरे भैया हम तो डूब मरेंगे क्या है, अरे तुम सब जान के आए हो अपना निकाल करो क्या बात है, तैरना जानते हैं कि नहीं, अरे इतना पढ़ा चढ़ा लेकिन तैरना नहीं जानते, देखो कैसे तैरना बताओ, वो कूद पड़ा अपना जीव बचा के चला वो डूब गया सारा, पढ़े लिखे लेकिन तैरना नहीं जानते तो क्या है। तो ऐसी बात है
कि भगवान की भक्ति के लिए यानी कि संसार सागर से तरना है, वो जानो तो सब पीछे अपना अर्थ बनेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन उसके लिए तो तैरने के लिए तो भक्ति की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ध्यान की आवश्यकता भी नहीं। एक यदि आपके हृदय में प्रेम है तो भगवान के लिए है, पत्नी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, वो तो फर्ज रूपी होता है। लेकिन विरक्त होना है, जब आप तैरना जानते हैं तो उनको भी तरा सकते हो, नहीं तो यदि के ये भगवान भगवान क्या है, हमें प्रेम करो, हाँ, और तो सब डूबेंगे। ये सब डुबाने की बात होती है, जब भी तैरना है तो भगवान से प्रेम करो। प्रेम में सब प्रकार की आपले होती है, इसलिए ये शुष्क प्रेम नहीं है, ड्राई। ये प्रेम ड्राई होता ही नहीं, रसों से भरा होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि वैसे तो कृष्ण भगवान को कोई भोजन की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वह स्वतंत्र हैं, वह अपने जैसे पापी पेट लेकर नहीं आए हैं। हमें तो ज़बरदस्ती से पापी पेट को खिलाना होता है, नहीं खाए तो नींद उड़ जाती है, काम नहीं होता, सब कुछ। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी भक्त इनको संपूर्ण रूप से संतुष्ट करने की इच्छा धराता है तो ये भगवान उनकी भेंट को ग्रहण करते हैं। तो भोजन तैयार करने में, उनको परोसने में और अर्पित करने में धराना होता है, वो इसमें सब की सबसे ज़्यादा महत्व की बात वो हो गई, क्योंकि ऐसे कार्य में कृष्ण को प्रेम भाव से करना चाहिए, सारे कार्य कृष्ण को प्रेम भाव से करना चाहिए। मायावादी चिंतक लोग इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके मत के अनुसार परम सत्य इंद्रिय रहित हैं, वो निर्गुण निराकार हैं, इसको प्रेम की आवश्यकता नहीं है, तो तुम्हें क्यों आवश्यकता है? जो ईर्ष्यालु होते हैं तो भगवान को कोई आवश्यकता ना समझकर उसको कुछ देना नहीं है और उसको हटा दो, ये निरर्थक भगवान भगवान क्यों करते हो, तो आप ही तो भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, काम खत्म। लेकिन अहम परम ब्रह्मास्मि तो नहीं है, ये पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भाव, वो तो जानकारी भगवान स्वयं देते हैं और अर्जुन स्वीकारता है, क्योंकि सारे असीत देवल व्यास इत्यादि सभी महात्मा उसे स्वीकारते हैं, और भगवान जब भी वही बात करेंगे तो अधिकृत मिल जाता है, उनसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं, भगवान से बड़ा कोई अधिकारी नहीं। तो मायावादी लोग या चिंतक लोग ऐसे इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इनके मत के अनुसार परम सत्य इंद्रिय रहित होता है। वो तो समझते होंगे क्योंकि ये तो कोई रूपक दृष्टांत दिया है, वास्तविकता नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से भरे हैं, वो इंद्रियों के स्वामी कहलाते हैं। यदि जिसके पास इंद्रियां नहीं तो इंद्रियों के स्वामी कैसे बन जाएंगे? हमारे पास पांच इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां भी हैं, और इंद्रियों के जो विषय होते हैं रूप रंग गंध ना, ये सब पांच विषय भी दिए गए हैं, तो क्या ये अपनी मौज में जाके लिए दिए हैं, क्या भगवान की सेवा के लिए दिए हैं?
ज्ञानेन्द्रियाँ हैं तो ये जानकारी रखनी पड़ती है कि ये हमारी मौज मजा के लिए नहीं है, भगवान की मौज मजा के लिए, अपने आप की जानकारी की प्राप्ति के लिए ये इंद्रियाँ दी हैं और इंद्रियों का दूसरा कोई उपयोग नहीं है। इंद्रिय तृप्ति भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम दया प्रत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। भगवान की ये प्रेमा भक्ति की जो बुद्धि है वो आत्मा का व्यवसाय है, उसके अनुसार वाली बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में जो तृप्त हैं इनको कभी प्राप्त नहीं होती, उसकी चेतना ही चुरा जाती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना, हे कुरुनंदन अर्जुन, आत्मा का व्यवसाय की बुद्धि एक ही प्रकार की है, वो भगवान की भक्ति वाले, दूसरी है ही कहीं नहीं, कोई भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और ऐसा कहा है कि इनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील भी है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरञ्जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। हम आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो गोविंद कहलाते, गो याने इंद्रियां, विंद इनको आनंद देने वाले, ऐसे गोविंद की क्यों हमें भक्ति करनी चाहिए, भजामी भक्ति करता हूँ, ब्रह्मा जी कहते, क्योंकि इनकी एक एक इंद्रियां सारी इंद्रियों का काम करती है, तो अरस परस सारी इंद्रियों का काम करती है। भगवान ने भी हमें ऐसा उदाहरण दिया है कि यदि किसकी आँख फूट जाती है तो लकड़ी से दूसरी इंद्रियां स्पर्श इंद्रियों से काम चला लेता है आँखों का, लेकिन जिसकी श्रवण इंद्रिया ही चली गई तो किससे काम चलाएगा। मुश्किल ही आ जाएगी। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं ही इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि सुनना बंद हो गया, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वो कैसे होगा, कहीं ऐसे तो अनफॉर्चुनेट कहलाते हैं, कुछ होगा बुद्ध काल में। तो गुंगे बहरे लोग वो हरे कृष्ण महामंत्र लिखकर सांत्वना दे सकते, ज़्यादा नहीं उत्तेजन, उनको समझदारी भी नहीं है, लेकिन कई भक्त बने हैं, गुंगे भोग भक्त बने हैं, बम्बई में है और काफ़ी समय से है। 1986 से चालू हुआ था तो 1990-91 में काफ़ी इन लोगों की प्रगति हुई थी। एक गुंगे बहरे स्कूल के जो होती है ना तो वहाँ जाकर वो प्रचार करता था, गुंगा प्रचार करता था, उसने कई थोड़े भक्त भी बनाए थे। तो जो भी है कहने का, लेकिन इनके पीछे समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई कोई ऐसे विरल जीवात्मा होती हैं जो ये सारी मुश्किलियाँ समझ सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ये श्लोक के अंत में बता देते हैं कि भगवान की इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं, कि एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है, कृष्ण परब्रह्म हैं, इसीलिए एक कहने का आशय है कि इंद्रियों की अनुपस्थिति में इनका समग्र ऐश्वर्य सबर नहीं कह सकते,
ये निर्गुण तत्ववादी क्या कहते कि भगवान के तो कोई ऐश्वर्य है ही नहीं, वो तो निर्गुण है। हाँ, तो निर्गुण कहकर वो अपनी जो अकल जो कमजोर है उसका ही तो प्रदर्शन कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे मायावादियों का सुनना नहीं चाहिए। हाँ, सातवें अध्याय में कृष्ण भगवान ने समझाया है कि ये प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। भौतिक प्रकृति पर भगवान का दृष्टिपात होने से ये संभव हुआ है। और इस उदाहरण में यहाँ भक्तों द्वारा भोजन समर्पित करते समय भक्तों के प्रेम भरे वचन जब मंत्र बोलते हैं तब वो सुनने के लिए और कृष्ण भगवान यदि भोजन का स्वाद लेते हैं, ये दोनों समांतर बन जाता है, एक दूसरे का काम कर लेते हैं। भौतिक प्रकृति पर भगवान दृष्टिपात करते हैं, वो समय वो निर्जीव थी। वेद में ये बताया है कि स इक्षति स इमान लोकान असृजत। भौतिक दृष्टि सृष्टि है लेकिन वो उस समय इसमें जीव नहीं था। दृष्टि में से सारे जीवों को भगवान ने ताशाम महद्योनिर अहम बीज प्रदपिता करके डारा है, सारे जीवों को भौतिक प्रकृति के गर्भ में डारा है। और ये भौतिक प्रकृति ब्रह्मा के द्वारा चौरासी लाख योनियां पैदा करती है, इतनी विविधता वाली। तो ये भौतिक प्रकृति पर सिर्फ दृष्टिपात करके जीवों की उपस्थिति रहने के लिए जगह बना देते हैं भगवान। तो उनकी एक एक इंद्रियां दूसरी इंद्रियां का काम करने देखने से सिर्फ दृष्टि भौतिक प्रकृति पर गिरती है, यानी कि देखने से पैदा कर देते हैं। ब्रह्मा जी तो मानसिक पुत्र पैदा करते थे, यानी कि सोचने से बच्चे पैदा करते थे। सोचने से बच्चे पैदा कर देते हैं। तो एक इंद्रिया दूसरी इंद्रिय का काम करती है। ये समझाने के लिए बताया। तो ये भगवान को इंद्रिय रहित निर्गुण तत्व समझना बेवकूफी है। तो जब भोजन अर्पित करते हैं उस समय भक्तों के प्रेम भरा जो वचन होता है, पद गाते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो उसमें प्रार्थना करते कि भगवान आकर आप ये भोजन भक्ति भाव से बनाया है तो आप ग्रहण करिए, इतनी विनम्रता से बनाए। भगवान चल खाते हैं कि नहीं तो मैं ले लूँ जल्दी फटाफट, हाँ ख़त्म करो हमें जाना है, ऐसे थोड़ा कोई खाएगा। अगर खाएगा तो हजम भी नहीं होगा तो खाए ही क्यों। बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ना, नहीं प्रेम से ही खिलाना होता, क्योंकि जैसे शरीर का पोषण होता है वो जबरदस्ती से तो कोई नहीं करता, लेकिन प्रेम से होता है तो जीने में मजा आती है, नहीं होता है तो समझो होटल में जाओ वहाँ कोई प्रेम देने वाला नहीं है। होटल में खाने से प्रेम प्राप्त नहीं होगा, चाहे वो कितना भी एडवर्टाइजमेंट, घर जैसा ही खाना यहाँ पकता है। अरे घर जैसा पकता है तो होटल में आने की आवश्यकता क्या है, यानी कि होटल में घर जैसा पके तो
करकशाज वाला खाना बना जबरदस्ती घर में पकता है, हमारे घर में पकता है हम, लेकिन खाते हैं आपके यहाँ और आप कहोगे घर जैसा बनाते हैं तो गए काम से, फायदा नहीं है। चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि यस्य गृहे माता नास्ति, जिसके घर में माँ नहीं है, और भार्या च अप्रियवादिनी, पत्नी भी कर्कशा हो तो अरण्यतेन गंतव्यम, उसको जंगल में जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यथा गृहम तथा अरण्यम, दोनों में फर्क नहीं है। तो ऐसे हुआ, जब घर में खाया तो होटल में आने की क्या आवश्यकता थी, तो होटल वाला कहता कि घर जैसा ही बनता है यहाँ, तो भैया यहाँ आने की आवश्यकता क्या है। तो ये है, लेकिन इसमें प्रेम का अभाव है, इसीलिए कोई फायदा नहीं। तो भगवान को प्रेम से यदि खिलाते हैं तो प्रसाद भी तो प्रेम से ही खिलाएंगे ना बाद में। इतना भेद पड़ता है जो होटल में प्रेम से खिलाने वाला कोई नहीं। तो कृष्ण भगवान जब इनको भोजन समर्पित करते हैं तब भक्तों के प्रेम भरे वचन, प्रार्थनाएं इत्यादि जब पद गाते हैं, भोजन के पद गाते हैं, तो ये सब और कृष्ण भगवान भोजन करने तथा जो स्वाद लेते हैं तो पदों द्वारा भी स्वाद लेते हैं। लुची चीनी सरपुरी सरसावली, ये सब मुंह में पानी छूटता है इसलिए बोला नहीं जाता। तो कहने का मतलब है ऐसे पद जब गाते हैं तब भगवान आनंद से खाएंगे, लेकिन बोलते बोलते यदि पानी छूटता है तो भगवान का आनंद भी चला जाएगा। इसलिए पुजारी को काफी सावधानी रखनी पड़ती है। तो ये दोनों बराबर हो जाता है इस बाबत में इतने, इसलिए जोर दिया गया है कि भगवान अपनी परम पूर्ण, जो परम पूर्ण स्थिति जो होती है उसके द्वारा पूर्णता में सब कुछ इनको सुनाई देता है। जो अपूर्ण है तो कम सुनेगा या बिल्कुल सुनेगा नहीं। हम लोग सभी अपूर्ण हैं, हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, पूर्ण नहीं है। तो भक्त की जो प्रार्थना है वो तब तक सुन सकते हैं जब वो पूर्णता के साथ पूर्ण संबंध में स्थित होती है। तो भक्ति ये शक्य बना देती है। इसलिए भगवान को भोजन तथा स्वाद ग्रहण करने के समान ऐसा होता है। तो कृष्ण भगवान स्वयं अपना ही वर्णन करते बोलते हैं कि जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसे वो बोल रहे हैं, उसका बिल्कुल अर्थ गठन किए बिना भक्त वो समझ सकता है कि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण भोजन कर सकते हैं और स्वाद भी लेते हैं। हमारे तो लिए तो सिर्फ पदार्थ ही छोड़ जाते हैं जिनको हम महाप्रसाद कहते हैं। बोलो महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नव जायते, बाकी का जब मिले तब बोलना, उससे पहले नहीं बोलना।
तो किसी को कोई प्रश्न है?